अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार सा मैक्रोनी सैलेड, और ये ब्रेकफास्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और लंच में भी, और बहुत आसान बहुत मज़े की रेसिपी है। इसमें मैंने पानी बॉईल करने के रखा है और अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून विनीगर सिरका ये इसमें ऐड करूँगा और मैं इसमें मैक्रोनीस को बॉईल करूँगा। सिरका मैंने इसलिए डाला है उससे जो मैक्रोनीज होंगी वो आपस में चिपकेंगे नहीं। पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगा। और इसको बॉईल करने के बाद मैं इसको ठंडे पानी में इसको मैं वॉश करूँगा इनको, जिस तरह मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता भी हूँ। उससे ये मैक्रोनीज जो है बहुत अच्छे जो है वो जो इनकी जो शक्ल होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने ये बंद गोभी ली है छोटा पीस और इसको मैंने से फाइन चॉप कर लिया है और इसमें मैंने ब्लैक ऑलिव डाले हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ओरिगैनो हर्ब ये इसमें ऐड करूँगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मेयोनीज ऐड करूँगा तकरीबन 1 सर्विंग स्पून, ज़्यादा नहीं इसमें आपने ऐड करना, और 1 सर्विंग स्पून ही टमाटो केचप। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। इसको मैंने इसी के से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मैक्रोनी ऐड करूँगा। मैक्रोनी मैंने स्ट्रेन कर लिया था पानी उनका और उनको मैंने ठंडे पानी से भी वॉश कर लिया था। अब मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल का डाला है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ और तकरीबन 1 ही टेबलस्पून के करीब मैं इसमें फ्रेश जो बटर है वो इसमें ऐड करूँगा। तो मैं तरीके से ऐसे अब मैं इसमें एक छोटा साइज का मैंने स्प्रिंग ओनियन लिया था और एक रेड ओनियन का छोटा पीस वो मैंने फाइन चॉप कर लिए, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब ये सारी कुकिंग जो है हाई फ्लेम के ऊपर होगी और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड है। अब मैं इनको अच्छी तरह फ्राई करूंगा। अब मैं इसके अंदर जो मैक्रोनीज मैंने वॉश करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगा। ये देखें एक एक मैक्रोनी अलग है। अब साथ ही मैं इसमें विनीगर 1 टेबलस्पून के करीब ये ऐड करूंगा, सोया सॉस 1 सर्विंग स्पून और चिली सॉस ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ तकरीबन 1 से 2 सर्विंग स्पून के करीब। अब मैं इनको फ्राई करूँगा। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन क्वांटिटी में कोई 1/2 टीस्पून के करीब ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी होता है नमक। अब मैं काली मिर्च ये इसमें ऐड करूँगा, काली मिर्च भी तकरीबन मैं 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगा और सूखा धनिया पिसा हुआ ये भी 1/2 चाय का चम्मच, इसको मैं मिक्स कर लूँगा।
अब मैं इसमें 1-2 टेबलस्पून डार्क चिली सॉस ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रहा हूँ। अब थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा। अब तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ओरिगेनो हर्ब ये इसमें ऐड करूंगा और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक ऑलिव का सिरप डालूंगा सिर्फ फ्लेवर के लिए। ब्लैक ऑलिव मैंने उसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दी है मैं। इससे ये होगा कि एक रेस्टोरेंट फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और मैंने इसको इसमें मिक्स कर रहा हूँ। मैं इसमें कढ़ाई में ही फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। मिक्स करके साथ ही मैं अपनी आपको डिश सर्व करके बताता हूँ। जी मज़ेदार से मैक्रोनी सैलेड बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh